हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुंबई कर अमन कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल जिसे आप देख रहे हैं, हमारे चैनल मुंबई कर अमन कुमार पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक से। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है मूवी रिव्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुंबई कर अमन कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के चैनल पे जिसका नाम है मुंबई कर अमन कुमार। मुंबई कर अमन कुमार जेलकर चैनल YouTube चैनल, मुंबई कर अमन कुमार YouTube चैनल वेलकम्स यू ऑल अवर डियर फैंस फ्रेंड्स ऑल अदर व्यूवर्स, वेलकम यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा और आगे भी आपका दिन अच्छे बीते, यही शुभकामना आपकी करता हूँ, दिन रात करता हूँ। तो और बताना चाहूँगा दोस्तों, मुंबई टर अमन कुमार चैनल आपके लिए ढेर सारी एंटरटेनमेंट की न्यूज़ लेके आता है, रेगुलर बेसिस पे लेके आता है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आपकी जानकर आपको बहुत खुशी होगी। आज का टॉपिक है मूवीज़ के बारे में, मूवी रिव्यू। आज का टॉपिक है मूवी का रिव्यू। तो आप जैसे कि आप जानते ही हैं, हर फ्राइडे कोई ना कोई मूवी रिलीज़ होती है, लेकिन कुछ स्पेशल फिल्में ऐसी होती हैं जो ईद दिवाली ऐसे कोई खास त्योहारों के मौके पर आती है। लेकिन एक डायलॉग बना हुआ है कि सलमान खान शाहरुख खान की मूवी किसी त्यौहार पर आती है तो अच्छा बिजनेस करती है, लेकिन कुछ स्टार ऐसे होते हैं जिनकी मूवी आती है और वो उनकी मूवी ही त्यौहार बन जाती है। लाइक इतनी भीड़ टूट पड़ती है कि त्यौहार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, भीड़ ही काफ़ी होती है, लगता है कि ये त्यौहार ही है, ये मूवी त्यौहार ही है। तो हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा कौन सी मूवी है। चलिए रिवील करते हैं ये हम किस मूवी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रोबोट 2.0, जो हाल फिलहाल में अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुई है, 2.0 मूवी। चलिए बात करते हैं दोस्तों। 2.0 में अक्षय कुमार और रजनीकांत के अलावा एमी जैक्सन भी लीड रोल में है। 2.0 ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि फिल्म ने सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के जरिए करीब 350 करोड़ रुपीस की कमाई दोस्तों कर ली है फिल्म ने। तो बताना चाहूँगा ये फिल्म का फर्स्ट ये रिव्यूज़ हैं कुछ, तो बताता हूँ। तो दोस्तों, खबर है कि लाइका प्रोडक्शन ने इस फिल्म की सैटेलाइट राइट्स 120 करोड़ में बेचे हैं, तो वहीं डिजिटल राइट्स के सभी वर्जन हिंदी तमिल तेलुगु 60 करोड़ रुपए में बिके हैं। अब फिल्म रिलीज़ हो गई है तो इसके सोशल मीडिया यूज़र रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है सर। दोस्तों, ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फिल्म है। इट्स अ मास्टरपीस दोस्तों। फिल्म क्रिटिक रमेश बाला और सुमित कडेल ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव यूजर्स भी फिल्म को लेकर अपने रिव्यू दे रहे हैं। फिल्म को 3D में रिलीज किया गया है। दर्शकों को फिल्म का 3D इफेक्ट बेहद पसंद आ रहा है। फाइनल हाफ हावर एटागजम विजुअल मैजिक विद ए गुड यूनिवर्सल मैसेज। हैंड्स ऑफ अक्षय कुमार फॉर ऑल द मेकअप एफर्ट्स एंड ए पावरफुल रोल। एमी जैक्सन इज ए ब्रीज। ऑसम मूवी एक्सपीरियंस। रजनीकांत डोमिनेटिंग एवरीथिंग इन द मूवी। शंकर अक्षय कुमार वॉज फैंटेस्टिक। रजनीकांत 2.0 ऑसम मूवी। ट्विटर पर आए यूजर रिएक्शन के हिसाब से ये फिल्म सुपर हिट है। यूजर्स फिल्म के डायरेक्टर शंकर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहतरीन है, वहीं सेकेंड हाफ भी शानदार बताया जा रहा है। फिल्म के 3D इफेक्ट और VFX के बारे में पहले से ही चर्चा थी दोस्तों। वन वर्ल्ड रिव्यू फॉर 2.0 माइंड ब्लोइंग अमेजिंग VFX एंड पावर पैक्ड एक्शन स्क्रीन प्ले। यू विल स्टे ऑन योर सीट्स, इट विल ब्लो योर माइंड। दिस मूवी इज ट्रिमेंडस एक्सीलेंट फुल पैसा वसूल मूवी दोस्तों। अक्षय कुमार रजनीकांत जी 2.0 रिव्यू 2.0 फ्रॉम टुडे इज ऑसम।
इस पर टीम ने काफ़ी मेहनत की और खूब पैसा भी खूब खर्च किया है दोस्तों। VFX पर इस पर काफ़ी मेहनत की गई है। फिल्म को क्रिटिक तरण आदर्श ने 4.5 स्टार दिए हैं। इस पूरे साल में ये पहली ऐसी फिल्म है जिसे क्रिटिक 4 या 4.5 स्टार दे रहे हैं। इस फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है दोस्तों, 600 करोड़ रुपए। दिस इज सीरियस मैडनेस एट पीक। वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट द वीडियो डज नॉट बिलोंग टू एनी सिंगल स्क्रीन सिनेमा बट टू ए नेम्ड मल्टीप्लेक्स। वट एन अमेजिंग एटमोसफियर। यू आर ए ट्रू सुपर स्टार रजनीकांत। रजनीकांत वाओ, सॉलिड स्टार्ट ऑफ 2.0। 2.0 फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑसम मूवी। तो ये थी आज की स्टोरी, आज का टॉपिक दोस्तों। आपको ये टॉपिक स्टोरी जानकारी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं। आप अपने अपनी राय भेजते हैं। अपनी राय भेजने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय लिखिए और हमें भेजिए अपनी राय। हम आपकी राय का